हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। मेरा नाम है मनोज थवानी और मैं यहां आया हूं ऑटो एक्सपो 2020 में। हम आपको अभी दिखाने जा रहे हैं टाटा मोटर्स की टाटा मार्को पोलो अल्ट्रा। ये एक स्टाफ बस है, इसे एक इंटरसिटी बस भी बनाया जा सकता है, एसी नॉन एसी में आती है। ये हालांकि कोई नई डिज़ाइन नहीं है, सिर्फ एक BS6 का अपडेट है। इसमें थोड़े बहुत फीचर्स ऐड किए गए हैं, आइए हम आपको इसके बारे में और जानकारी दें। तो जैसा कि आप इसे देख सकते हैं, इसकी डिज़ाइन जो है बहुत ही शानदार है। इसका जो ब्लू कलर है और इसका जो टेक्सचर है कोई महंगी गाड़ी से कम नहीं है। इसमें आपको नॉर्मल हेडलैम्प्स नहीं मिलते हैं, इसमें आपको हेलोजन बल्ब्स आते हैं। जैसा कि आजकल हैवी वॉटेज के बल्ब्स आ रहे हैं, तो इससे आपका ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छा हो जाता है। ये इंडिकेटर है, ये DRL है और फॉग लैम्प्स है। फॉग लैम्प्स में जैसे कि आप जानते हैं दिल्ली साइड नॉर्थ साइड बहुत कोहरा होता है, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा विजिबिलिटी में हेल्प करती है। और अगर हम आपको दिखाने जाएं तो इस तरह आ जाए, बस की जो बॉडी है बहुत ही शानदार है। यहाँ पे देखिए ड्राइवर के चढ़ने के लिए इजी स्टेप्स दिए गए हैं, यहाँ पे एयर फिल्टर के लिए जगह है। यहाँ से आप अगर देख सकते हैं तो इसमें चढ़ना बहुत ही आसान है और ऐसा लगेगा नहीं कि कुछ बहुत ही हैवी चीज़ में आप चढ़ रहे हैं। सीट में अच्छे स्प्रिंग्स दिए गए हैं, जैसे जर्क्स पे ड्राइवर को ज़्यादा झटके ना लगे, और बहुत ही कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन है इसकी। सीट एडजस्टेड है, आगे पीछे होती है, अगर ड्राइवर शॉर्ट है आपके तो इतना आगे हो जाता है। गाड़ी में क्लच नहीं है, ये इसकी खास बात है, क्योंकि ये सिटी वर्जन है, ये एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। लेकिन अगर आप इंटर सिटी चलाना चाहें इस बस को, तो ऑफकोर्स आप मैनुअल वर्जन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैनुअल वर्जन सिटी से ऑटोमेटिक से बेहतर माइलेज देता है। इंटीरियर्स की अगर ड्राइवर कैबिन की हम बात करें, तो यहाँ पर देखिए इसमें सबसे पहले तो ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट दिया है। ये सी क्रॉल फंक्शन रहता है, अगर हिल पे आपकी गाड़ी लोडेड हो, चढ़ने में दिक्कत हो, तो आप क्रॉल पे डाल सकते हैं। बाकी नॉर्मल ऑटोमेटिक है, प्लस माइनस इसे ऑटोमेटिक मैनुअल में मोड चेंज किया जा सकता है। यहाँ आपको इमरजेंसी डोर ओपन का सेंसर है, क्योंकि वो बहुत पीछे होता है और ड्राइवर को शायद पता ना लगे। एसी के फंक्शंस, इंटीरियर लाइट्स, स्टीरियो सिस्टम, ये दो मोड्स दिए गए हैं यहाँ पे। अगर गाड़ी लाइट चल रही है तो आप इसे दबा सकते हैं, गाड़ी थोड़ा सा माइलेज शायद बेटर दे। और अगर हैवी है, गाड़ी फुल लोडेड है विद लगेज एंड एवरीथिंग, तो आप ये बटन दबा सकते हैं, आपको इसमें ज़्यादा फ्यूल मिलेगा। और बाकी काफ़ी कुछ बेसिक इसमें दिया हुआ है, ABS के सेंसर्स है, एग्जॉस्ट के लिए है, 24 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया है। उसमें ड्राइवर अपना मोबाइल फ़ोन, GPS मैप्स, मे बी ट्रैकिंग सिस्टम वगैरह लगा सकता है। बेसिक स्पीडोमीटर है, हेडलाइट, हॉर्न, वाइपर जैसे स्टैंडर्ड रहते हैं। यहाँ पे इसका फ्यूल और ट्रिप मीटर सेट करने के लिए ऑप्शंस दिए गए, यहाँ पर भी दिए गए हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल चाबी नहीं है तो हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। यहाँ पे हेडलैम्प ऑन ऑफ के बटन्स, ये एक स्विच है लाइट्स के लिए, मे बी फॉग लैम्प्स के लिए। हैजर्ड स्विच है, हेडलैम्प लेवलर्स, बैटरी चेक करने के लिए, क्लच फ्लूइड, यहाँ पर हैंड ब्रेक है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ ब्रेक और एक्सीलेटर है, ब्रेक एंड एक्सीलेटर, क्योंकि एक नॉर्मल गाड़ी है। और कन्वीनियंस के हिसाब से भी यहाँ पे काफ़ी कुछ दिया है। यहाँ पे देखो एक बॉटल होल्डर है बड़ा, यहाँ पे बॉटल होल्डर है, और एक ग्रैब हैंडल है। ये साइड विंडो खोलने के लिए दिया गया है, एग्जॉस्ट के लिए, जैसे ड्राइवर जब विदाउट AC चलाए तो ये खोल के चला सकता है, काफ़ी हवा यहाँ से अंदर आ जाएगी। फ़ैन दिया गया है, AC जब चालू हो तो। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे वेंट्स दिए गए हैं स्टोरेज के लिए, यहाँ पर एक बॉक्स है, यहाँ पर एक बॉक्स है, वहाँ पर एक बॉक्स है, इम्पॉर्टेंट टूल्स और पेपर्स वगैरह रखे जा सकते हैं। इमरजेंसी डोर बटन है वहाँ पर डोर के साइड में, और यहाँ पे एक क्लॉक है, इमरजेंसी के लिए लैम्प है। तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो एक नॉर्मल बस के लिए, सिटी बस के लिए, स्टाफ बस के लिए इसमें बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, और आई डोंट थिंक कुछ भी तरीके का एक्सेसरी इसमें डालने की ज़रूरत है। जस्ट आप अगर बस फ्लीट चलाते हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपको सिर्फ बस खरीदनी है, रजिस्टर करा के ड्राइवर रख के बस इसे चलाना है। अब अगर हम इसे बाहर की तरफ से दिखाएं, कुछ ज़्यादा हाइट नहीं है उतरने में, कोई स्ट्रेस नहीं हुआ, डोर बंद भी बहुत अच्छे थर्ड के साथ होता है। यहाँ पर इन्होंने डीजल के लिए टैंक दिया है एक, और इसके बाजू वाला एड ब्लू है जो आजकल सभी डीजल बसेज में जाते हैं, तो आप देख सकते हैं। सॉरी मैंने उल्टा कहा, ये डीजल है, वो एड ब्लू था। और पार्सल का यहाँ पे कुछ है नहीं ज़्यादा, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो बहुत सारी जो AC बसेज रहती है उसमें विंडोज़ कभी खुलती नहीं है,
उससे कभी कभी बारिश के टाइम पे या धूप के टाइम पे बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाता है, इससे वेंटिलेशन बढ़ेगी। ये मैंडेटरी इमरजेंसी एग्जिट है, इसमें भी साइड स्टेप का ऑप्शन दिया है, अगर कोई बुज़ुर्ग है उतरने में उसे कुछ दिक्कत हो रही है तो इमरजेंसी के टाइम वो ये स्टेप यूज़ कर सकते हैं। पीछे इस में कोई बूट का ऑप्शन नहीं दिया है, हालांकि आप आपके बस बॉडी बिल्डर से बनवा के ले सकते हैं एडिशनल। टेल लैंप्स इसकी काफ़ी क्लियर है, LED लैंप्स आती है और काफ़ी दूर से ही दिख जाएगी, एकदम स्टैंडर्ड है, कुछ ओवर द टॉप नहीं। बेसिक इंडिकेटर, टेल लैम्प, रिवर्स लाइट्स, दैट इज़ इट। अल्ट्रा का बैच लगता है ऊपर, रिवर्स कैमरास, कुछ भी नहीं। ये रेयर टेल लाइट में ये बहुत अच्छा फीचर दिया है, दूर से ब्रेकिंग दिखेगी रेयर लैंप्स की। और यहाँ टाटा मार्को पोलो का बैजिंग है, मार्को पोलो डिज़ाइन का शेप है इसमें, अल्ट्रा बस का नाम है। और ये और एक टाटा की बैजिंग है। इस तरफ आ जाएं तो यहाँ पे इसका स्पेयर व्हील निकालने के लिए एक पॉइंट दिया गया है, जैसे टायर यहाँ वहाँ आप कहीं भी ना रख दें, नॉर्मल टायर्स है। यहाँ पर बूट दिया गया है जो फ़िलहाल इस वक्त लॉक है, तो अच्छा है, बूट में लॉक का सुविधा दिया है, ये भी लॉक किया हुआ है। ये बैटरी बॉक्स होता है यहाँ पर। आइए आपको बस के अंदर का दिखाएं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक 41 सीटर बसेस है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सीट है। पूरा रैक आता है ऊपर, AC यूनिट दिया गया है, काफ़ी बैग्स आ जाएंगी, ऑलमोस्ट सभी पैसेंजर्स की बैग्स आ जाएगी। अगर मैं आपको सीट पे बैठ के दिखाऊं तो ये रही सीट, हर सीट पे सीट बेल्ट दिया गया है, आपने आज तक शायद ही कोई बस में ऐसा देखा होगा। और दोनों साइड पे आर्मरेस्ट है, सीट रिक्लाइन होती है और काफ़ी अच्छी रिक्लाइन होती है। लॉन्ग डिस्टेंस पे सपोज 3-4 घंटे का अगर है तो हम सो के जा सकते हैं, बेल्ट पहन सकते हैं। यहाँ पे हर दो सीट के बीच में एक मोबाइल चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, देख लीजिए, इसमें दो पिन्स हैं, 1 एम्पेयर और 2.1 एम्पेयर। तो एक बेसिकली फास्ट चार्जर है और एक स्लो है, दोनों 5 वोल्ट का करंट देते हैं, हर दो सीट में कॉमन है। इस तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे आप कुछ बैग वगैरह लटका सकते हैं, मैगजीन होल्डर है, बॉटल होल्डर है, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ग्रैब हैंडल है। तो काफ़ी अच्छा है इसमें सब सेटिंग, रीडिंग लैंप्स, AC वेंट्स, स्पीकर्स फॉर एंटरटेनमेंट, इमरजेंसी हेल्प बटन है, ये आजकल मैंडेटरी किया गया है सब बसेस में, जस्ट इन केस कोई स्टाफ को कुछ प्रॉब्लम है, बस में कुछ गलत काम हो रहा है उसे रोका जाए। और बस यही है, यहाँ पे वेंटिलेशन कम इमरजेंसी एग्जिट है, और यहाँ पे लास्ट का इमरजेंसी एग्जिट है जो कंपलसरी होता है आजकल सब कमर्शियल बसेस में। तो जी फ्रेंड्स, ये रहा हमारा इस बस का रिव्यू, और अगर आपको ये पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए और भी कमर्शियल सेगमेंट के बसेस के, ट्रक्स के और लाइट कमर्शियल व्हीकल्स के, टेम्पोस के रिव्यूज़ और वीडियोस और भी लाते रहेंगे, अगर सिर्फ आप कहेंगे तो। थैंक यू।